तो अब हम आ गए हैं आपका जायका स्पेशल काठी रोल पर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये जायका। तो चलिए देखते हैं क्या इनकी प्रिपरेशन रहती है, क्या इनका मेकिंग प्रोसेस रहता है। सो आप देख सकते हैं कितने सारे रोल इकट्ठे बन रहे हैं। वाओ, कितने अच्छे तरीके से भैया बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये साइड में लग गए रोल, और ये फिर से एग। वाओ, वही इनका तरीका, कितना बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। ऊपर ही ऊपर घूमता है और सारे रोल पे लग जाता है। आप देख सकते हैं वाह, कितने बड़े तरीके से बनाने, फिर से इसको वाह। और ये गया इधर, ये आया इधर, और फिर से आया दूसरे वाला, और फिर से इधर से एग आ गए, और फिर से ही ये प्रोसेस चालू। कितने ब्यूटीफुल तरीके से भैया बना रहे हैं। वाह, आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीकी के साथ। और ये जो है इनके शेफ़ हैं, देख सकते हैं आप जो बना रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। वाह, ये फिर से ऐसे गया, और ये जो रोल हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन से, और अब ये भी इधर लग जाएगा। तो हमारी प्रिपरेशन होती हुई डबल एग रोल की, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से भैया जो हैं डबल एग रोल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये जो रोल जो है ये मेक हो रहा है, भैया जो है रोल मेक कर रहे हैं, और ये भैया ने जो है रोल ये सीधा यहाँ पे फेंका। वाओ, कितने ब्यूटीफुल तरीके से अब ये रोल यहाँ पे आ गया है, क्या बात है। ये देख रहे हैं भैया हैं कितने अच्छे तरीके से भैया बना रहे हैं, और ये एग आया, और ये कितने बढ़िया तरीके से भैया रोल बना रहे हैं। तरीका देखिए, स्टाइल, वाओ, क्या यूनिक स्टाइल है रोल बनाने का। एक जो तरीका होता है ना रोल बनाने का, वाओ, ऐसे ही नहीं भैया ने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया यहाँ पे, पूरे अच्छे तरीके से बनाया पहले। और ये देखिए क्या बढ़िया, वाओ, क्या खूबसूरत तरीके से भैया बना रहे हैं। आप देख सकते हैं टैलेंट अलग ही दिख रहा है। ये सपोज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ के ओनर हैं, यहाँ के मालिक हैं, लेकिन ये अपनी स्किल दिखा रहे हैं कि इन्होंने किस किस तरीके से शुरुआत की है अपनी। देखिए कितने अच्छे तरीके से, आज इनके दो दो रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं रोल कितने ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने बन रहा है। वाओ, पास का लुक आपको मैं दिखाता हूँ। वाओ, कितना ब्यूटीफुल लुक लग रहा है। तो आप देख सकते हैं भैया रोल बनाते हुए, वाह। सो अब ये डल रहा है इसमें पनीर, और आप देख सकते हैं ये भरा गया पनीर इसके अंदर। वाह, कितना बड़ा बड़ा पनीर, बहुत बढ़िया। और ये आ गई है प्याज। सो पनीर, प्याज, और फिर ये हरी चटनी आ गई है इनकी, और अब आ गया है इसके अंदर सॉस। बहुत बढ़िया तरीके से, लजीज तरीके से बन रहा है। और ये अब आएगी मेयोनीज। वाओ, कितने बढ़िया तरीके से भैया मेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। वाओ, तंदूरी सॉस आ गई है अब, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये अमूल की फ्रेश क्रीम भी भैया यूज़ करते हैं। अब ये भैया इसमें धनिया की गार्निश करते हुए, और ये यूज़ होती है क्रीम। वाओ, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये रोल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ। वाह, क्या बात है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया रोल लग रहा है देखने में भी। वाह, सो ये भैया यूज़ करते हैं राइस ब्रेन ऑयल, ये बिल्कुल ऑलिव ऑयल की तरह ही है जो यूज़ करते हैं भैया सब मेकिंग करने में। Thank you.
अब हमारा स्टार्ट होता हुआ कढ़ाई पनीर। आप देख सकते हैं ये जली गैस, ये वो देखिए आप अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ करते हुए, ये भैया यूज़ करते हैं MDH के मसाले, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं पनीर भी कितना मोटा मोटा यूज़ कर रहे हैं, ये इनके कटे हुए हैं, यहाँ पे धनिया वगैरह सब रहे हैं कटे हुए हैं। और ये आ गया आपका अमूल बटर, तो अमूल बटर आपका आ गया है, और आप देख सकते हैं ये रखा हुआ सामने अमूल बटर। डालिए भैया, क्या क्या डाला भैया आपने? जीरा और लाल मिर्च भैया ने डाली है, वाह। और ये भैया ने एक साथ ही डाल दिए हैं प्याज, कैप्सिकम आपका, टमाटर एक साथ ही आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आ रहा है, वाह कितने अच्छे तरीके से भैया बना रहे हैं। ये आ गई फायर, वाह कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। यह आ गया आपका गार्लिक पेस्ट, पूरा धुआं ही धुआं हो गया। यह आ गया क्या जी, क्या जी? व्हाइट ग्रेवी आई है, हाँ येलो ग्रेवी, व्हाइट ग्रेवी और येलो ग्रेवी अलग अलग से डालते हैं। ये सिर्फ काजू से स्पेशल बनती है ग्रेवी है भैया, क्या नाम है इसका भैया? व्हाइट ग्रेवी। ये बनता है जो आपने व्हाइट ग्रेवी देखी थी वो काजू से स्पेशल बनती है भैया की, और ये बाद में जो आपने मसाला ऐड किया उसका वो क्या क्या बोलते हैं उसको भैया? सोम मसाला, बहुत बढ़िया भैया, कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं क्या लुक आ रही है, कितना बढ़िया लुक दे रहा है ये, बहुत ही बढ़िया। सो ये भैया यूज़ करते हुए अमूल का बटर, ये देखिए भर भर के अमूल बटर यूज़ कर किया जा रहा है यहाँ पे, अमूल बटर आप देख सकते हैं, वाह। सो आप देख सकते हैं अमूल बटर, हाँ इस गुड़िया को तो जानते ही होंगे आप, वाह ये देखिए अमूल बटर इसमें घूमता हुआ। और ये आ गया है पनीर, वाह बड़े बड़े स्लाइसेस पनीर के, बड़े बड़े स्लाइसेस पनीर के, बहुत बढ़िया कढ़ाई पनीर, क्या बात है, लाजवाब चीज बन रही है कढ़ाई पनीर, क्या बात है। और ये आ गई आपकी अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम डिलीशियस लुक आ रहा है, वाह कितना बड़ा बड़ा पीस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि ये नहीं है कि किसी भी तरीके का, आप देखते हैं ना कि आउटलेट्स खुलते हैं तो कंजूसपन होता है किसी तरीके का, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा बड़ा पीस और अमूल बटर का भैया यूज़ कर रहे हैं। तो भैया कंप्लीट हो चुका? ठीक है भैया, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका, और ये धनिया की गार्निशिंग अब इस पर हो चुकी, और ये गया आपका हमारे बाउल के अंदर, वाह आप देख सकते हैं हमारे बाउल के अंदर गया सीधा का सीधा, बहुत बढ़िया, देखिए कितना डिलीशियस लुक आ रहा है, वाह कितना ब्यूटीफुल और डिलीशियस लुक आता हुआ। सो अब आप देख सकते हैं ये भैया ने और इसमें एक्स्ट्रा अमूल बटर यूज़ किया है, बहुत बढ़िया, और ये क्रीम यूज़ हुई है इसके ऊपर, वाह कितना ज़्यादा डिलीशियस लुक आ रहा है। और ये हुआ है धनिया यूज़, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आ रहा है इसके अंदर। अब ये आप देख सकते हैं डिलीशियस हमारा मोटा मोटा तगड़ा तगड़ा डबल एग रोल और पनीर के साथ, यानी कि पनीर डबल एग रोल, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से भैया पनीर इसके अंदर गार्निश कर रहे हैं ऊपर से, वाह तो कितना ज़्यादा डैशिंग और फाइनल लुक आ रहा है, वाह। सो आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा डबल एग पनीर रोल, और ये है हमारा कढ़ाई पनीर डिलीशियस। सो आप देख सकते हैं डिलीशियस कढ़ाई पनीर, कितना मोटा मोटा इनका पीस है, और ये आ गया हमारा सलाद, ये आ गई हमारी रोटी, और ये आ गया हमारी
थम्स अप बाइट लेके देखते हैं। एकदम एवन है, एकदम यूनिक है और लाजवाब इसका टेस्ट है। चीज़ का जो फ्लेवर आ रहा है ना डबल एग के साथ, वाह एकदम औसम एक फ्लेवर आ रहा है और यूनिक एक टेस्ट आ रहा है। सो ये हमने अभी टेस्ट किया है और अब हम ये टेस्ट करेंगे आपका इनका कढ़ाई पनीर। ये देख सकते हैं कितना मोटा मोटा इनका पीस है, बहुत ध्यान से आप देखिए, डिलीशियस। तो आइए जल्दी से, रुका नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो उसका टेस्ट करके देखते हैं। बटर का जो टेस्ट आ रहा है ना, ये भर भर के अमूल बटर यूज़ करते हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, भर भर के यहाँ अमूल बटर यूज़ होता है और लाजवाब इनका टेस्ट है। जो ग्रेवी है ना इनकी, इनकी दो तीन तरह की स्पेशल अपनी पर्सनल ग्रेवी है जिनका टेस्ट एकदम यूनिक है, वाओ। सो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आइए चल के मिल के इसको फिनिश कर लेते हैं और एक बाइट आपको मैं और लेके दिखा देता हूँ पनीर की विद रोटी। ये देख सकते हैं आप, ये आ गई है हमारी बाइट, डिलीशियस सी बाइट। सो ये देख सकते हैं, ये आ गई हमारी बाइट और ये गया सीधा मेरे बहुत ही उम्दा टेस्ट है इनका। ये प्याज भी टेस्ट कर लेते हैं, वाह एकदम यूनिक टेस्ट है, मज़ा आ रहा है, वाह। तो चलिए इसको हम फिनिश कर लेते हैं, आपके सामने देख रहे हैं आप, ये सब कुछ मैं फिनिश कर लेता हूँ और वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं। सो चलिए पूछते हैं भैया से। सो भैया, ये आपने जायका रेस्टोरेंट क्यों खोला, क्या रीज़न है इसके पीछे? सर बस बहुत शुरुआत से काम कर रहे हैं हम, इसमें ज़्यादा आइडिया हमें काम करने की नॉलेज है इसके कारण है। तो आपका स्पेशल क्या क्या है सर? सर हमारे पास हर चीज़ स्पेशल है, हमारा रोल स्पेशल है, हमारा पनीर टिक्का स्पेशल। आपका थोड़ा बताइए किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, क्या मतलब क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटस था, पैसे का क्या स्थिति था जब आपने स्टार्ट किया? पैसे सर पहले तो हम नौकरी करते थे, फिर धीरे धीरे पैसे कमाए से जमा किए, फिर धीरे से एक छोटा सा हमने ठेला किया, फिर अब जाके हमने होटल खोले। यानी कि ठेले से आपने शुरुआत की और आज की डेट में आपकी क्या स्थिति है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो अभी कितने आपके आउटलेट चल रहे हैं? अभी हमारे 5 आउटलेट है टोटल। तो ये टोटल आपके दिल्ली के अंदर ही हैं? जी नहीं, गाज़ियाबाद NCR के अंदर। अच्छा, गाज़ियाबाद दिल्ली NCR के अंदर टोटल आपके आउटलेट हैं। तो भैया आप हमें ये बताइए, आपका ज़िंदगी में और एम क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? बस अभी तो फिलहाल चल रहा है, अब देखो आगे का होता है, और आगे भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम करना है। तो मतलब इसी की जायका को ही आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, ये ऑलरेडी हमारा रजिस्टर्ड है, ठीक है, हमारा ये मेन ब्रांच कबीर नगर में है, सेकेंड ब्रांच गांधी नगर में है, थर्ड ब्रांच शास्त्री नगर में है, फोर्थ ब्रांच आपका न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन में है और पाँच में जो है अपने यहाँ पे है। सो बेसिकली आप यही है कि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, अभी तो और बहुत सारे शॉप खोल लीजिए।